यहाँ पे ना कपल्स की ऐसे फोटो ली जा रही है। विक्टिम के नंबर आ गए हैं। उन्होंने मेरे को चैलेंज दिया था कि ये दीवार चढ़ के दिखा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज है 14th of February, वैलेंटाइंस डे। आज हर जगह ही है ये, और आप मान लो कि कॉलेज वालों ने स्पेशल जुगाड़ किया है वैलेंटाइंस डे का, प्रोग्राम है कॉलेज में वैलेंटाइंस डे का। पर हमारी सैड लाइफ भाई, क्लासे हैं आज भी, ना अभी होती है ऐसे, हमने तब भी क्या करना था। देखते हैं, अगर मैं जल्दी पहुंच गया, निकला तो मैं पूरे टाइम से रही हूँ भाई, मतलब पूरी रात। तो कल सोया ही था मैं, दस ग्यारह घंटे सोया हूँ आराम से। तो सुबह मैं उठा 7 बजे, तब भी देख लो खाना भी नहीं बना था, फिर भी मैं मौके पर तैयार हुआ हूँ बिल्कुल। अभी 11 बज रहे हैं, जाने के लिए निकल गए हैं। मैथ्स वाली मैम ने कल एक हार्ट अटैक पोस्ट किया है, आज मिड टर्म मिलेगा। तो यह है, कहते हैं क्लास में बंट क्योंकि ऑनलाइन नहीं दे रही, तो देखते हैं कितने नंबर आते हैं। धड़कने मैथ्स में तो चलो वैसे मेरे को लग रहा है आ जाएंगे, इतने तो नहीं कटते, बाकी देखते हैं भाई। और हाँ यार, एक क्वेश्चन और भाई, 12वां मेरे को 3-4 लोगों ने पूछा भाई, जो सर्वे फॉर्म आया उसमें स्टडी परमिट क्या है। मतलब स्टडी परमिट तो हमारे पास है नहीं, डालना क्या है भाई। स्टडी परमिट आपका कैनेडा के मिलता है, यहीं से एयरपोर्ट से मिलता है, तो आपने वहाँ पर डालना है आई हैव अ स्टडी परमिट अप्रूवल लेटर, ऑल्सो नोन एज लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। उसमें जब आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट आते हैं ना, PPR आती है, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट आता है जिस पर लिखा होता है वैलिड टिल और वैलिड फ्रॉम, वो अपलोड कर देना है, वो आपका स्टडी परमिट का काम करेगा। स्टडी परमिट यहाँ पे कैनेडा आके मिलेगा आपको। और इतनी करारी धूप निकली है ना भाई आज, मतलब मुँह पे लग रही है धूप, तक मैं जैकेट वगैरह नहीं पहन के आया। कल तो आपने मौसम देखा ही था, अगर नहीं देखा ना कल का ब्लॉग देखना, क्या बादल थे। और भाई ब्लॉग से फिर याद आया, फिर मेरे को एक बंदे ने पूछा है कोर्सेज कौन से ले। भाई मैं दो लगातार बैक टू बैक व्लॉग में बताया मैंने कि मैं क्या सिस्टम है, वो व्लॉग ही देखोगे भाई। ट्रांजिट सिक्योरिटी वाला एक था और एक और है उसके बाद आया जो, उसमें मैंने बताया कोर्सेज के बारे में यार, कैसे रजिस्टर करना है, और मैं किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहा, सब मैंने एक्सप्लेन किया उसमें। मैं फिर भी आप ऐसे ना पूछा करो यार, ब्लॉग्स देखो, उससे आपको लगेगा आप कॉलेज निकलते हैं, बस सामने आ गई है बिल्कुल। तो गाइस वैलेंटाइंस की सेलिब्रेशन देखो, यहाँ पे ना कपल्स की ऐसे फोटो ली जा रही है, जिसको भी अपनी खिंचवानी खिंचवा लो। और इधर कुछ स्नैक्स वगैरह चल रहे हैं, कहा था ना मैंने पूरा प्रोग्राम होता है हमारे कॉलेज में, ये तो बेस्ट चीज़ लगी भाई मुझे, यहाँ पे फोटो खींच लो, बढ़िया है। वैसे इधर भी कुछ डेकोरेशन हो रखी है, यहाँ पे भी है हॉल भाई, क्लास का टाइम हो गया निकलते। तो यार मैं आपको वैलेंटाइन के साथ दिखा तो नहीं पाया भाई, क्योंकि बिल्कुल टाइम हो गया था, मैं लेट था बहुत ज़्यादा, अभी भी मैच की ब्रेक से बाहर आया हूँ। और यार सर्वे फॉर्म का मैं फिर से बता दूँ, मुझे फिर से ना इन सब मैसेज आया था कि बता देना थोड़ा भाई। वैसे तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ईजी है, ID वगैरह भरनी है बस, जो स्टडी परमिट का है ना ऑप्शन, वो अपनी ID मैच कर, मतलब अपना एग्जाम्पल मैच कर लेना आप, किस में आपने अप्लाई किया आपका आया नहीं है। अप्रूवल लेटर आती है हमारे पास, परमिट नहीं आता, तो वो वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना। और भाई मिड टर्म के नंबर आ गए हैं, मैं तो ठीक आया, 40 में से 35 आ गए, फुल तो किसी के नहीं आए क्लास में। कह रहे थे बहुत ही गंदी एवरेज है क्लास की, 50% एवरेज आई है क्लास की बस। मेरा तो चलो आता ही है, मेरे को तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है मैथ्स में, तो दिक्कत है CPSC के भी नंबर आ गए हैं भाई, 100 में से 78 आए हैं। बी ग्रेड चाहिए पासिंग के लिए मेरे को, अगले कोर्स के लिए मेरा B+ आया अभी, बहुत शौक लगा मेरे को। एक्सपेक्टेड तो मेरे को इतने थे क्योंकि मेरा ज़्यादा भी अच्छा हुआ था, उड़े थे मेरे तोते उसमें, पर चलो असाइनमेंटों में फूल लेना तो कंपनसेट हो जाएंगे। पर अगले मिड टर्म पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा भाई, बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी कंप्यूटर में। चलते हैं अभी अंदर क्लास, ब्रेक ओवर हो गई है। तो वैसे मेरा अभी फिजिक्स की क्लास खत्म हुई है भाई, बुक से जान निकली हुई है क्योंकि दो बैक टू बैक क्लासेस लगातार लगी हैं। पेपर था फिजिक्स का भाई, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ मेरा, तो बहुत माड़ा हाल हुआ है, तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में रह गया। पर चल मैं, मेरा कंपनसेट अभी हो जाएगा, अगले में पढ़ के जाऊँगा, बिल्कुल पढ़ के नहीं गया था मैं, आता ही क्या करेंगे पढ़ के। ऊपर से स्यापा यार, इतनी तक तो भूख लगी है, चम्मच लाना भूल गया दाल चावल खाने के लिए, समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ भाई, देखता हूँ कोई जुगाड़। बस 10 मिनट्स की ब्रेक हुई है, और भाई खाना ना लिटरली हाथ से खाया है क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा थी, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता भाई, तो हाथों से खाना खाया है। अब 10 मिनट की ब्रेक हुई भाई, लैपटॉप का चार्जर ख़राब हो गया, मन मर्जी है, जब मर्जी कर देता है जब मर्जी हट जाता है। मैं तो ऐसे घर से करके आया था, मेरे को पता था हरकतें होनी है, पर अब वही है खर्चा, और $100 का नया चार्जर है भाई, HP का ओरिजिनल, यहाँ पे इंडिया में भी चाहिए कहीं और, जबकि लैपटॉप रेंटी में है। बात है कि HP वाले बोल रहे हैं इंडिया चार्जर भेजो हम तब चेंज करेंगे, जबकि इंटरनेशनल वारंटी है, कहते पार्ट्स अलग हैं, इंडिया चार्जर भेज दो हम इंडिया से रिप्लेस कर देंगे। मैं चार्जर इंडिया भेजूँ पहले, मजाक चल रहा है भाई, मतलब अब वही है, जब भी जिस दिन चार्जर जवाब देगी और लैपटॉप की बैटरी पूरी डेड होगी, उस दिन मेरे को नया चार्जर लेना पड़ेगा। कि भाई मैं बीयर का लैपटॉप से काम चला लूँगा, तो कह रहे हैं मेरा ले जाओ, पर अब ब्लॉगिंग करता हूँ तो सारा सेटअप इस लैपटॉप में है, वो सारा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वैसे 6:20 हो गया और अभी अभी क्लास खत्म हुई है भाई। ऐसे जॉब तो मेरी आज है नहीं, उनका मेल तो आया नहीं अभी तक कि 8 बजे कह रहे थे पहले आ जाना, पर कहते मेल आएगा तो बता देंगे, तो मेल तो आया नहीं है कोई, मतलब कुछ पता नहीं भाई, उनको पता है मैं 10 मिनट दूर रहता हूँ ना, जब मर्जी फ़ोन मार देंगे आ जा भाई काम करने,
तो इस चक्कर में ना अब ये मतलब देखते हैं आज जाने की नहीं, अगर जॉब नहीं गया भाई तो आज कहीं जा रहा हूँ मैं, अपने बैग्स पैक करके निकल रहा हूँ घर से। कहाँ जा रहा है वो भी आपको बताता हूँ। तो पहले घर चलते हैं, देखते हैं स्काई ट्रेन या बस, सामने रश तो लगा ही हुआ है। और जल्दी से काम निपटा लिया मैंने, और भाई अब बीयर के घर जा रहे हैं। बैग मेरा पैक्ड है, देख लो ऊपर तक भरा हो, किसी को लग रहा हूँ नाइट स्टे के लिए जा रहा हूँ। भाई नाइट स्टे के लिए इतना भर के बैग नहीं ले जाता, नाइट स्टे के लिए जा रहा हूँ, देयर इज़ अ बिग वैलिड रीजन फॉर इट। मैं जा रहा हूँ उसके घर, जो घर जाके बताता हूँ उसके घर। बहुत बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी आया था ना भाई, काम पर था मैं लिटरली, क्योंकि एक तो कपड़े कम पहने, मुझे लगा सुबह धूप निकली है कम कपड़े पहने जाते हैं, पर मेरी बुरी हालत हो गई, मैंने मोटे कपड़े पहन लिए। चलते हैं उसके घर बैग लेके। शॉप तक तो चल के आ गया हूँ भाई, और ना मतलब एक बैग सिर्फ मेरा है, बाकी ये दो बैग भाई के हैं। आपको पता ही है वो भाई मेरे घर पे आता रहता है, कुछ ना कुछ छोड़ जाता है। इसमें आप देखो तो ग्रोसरी है, अंडे की ट्रे है, ब्रेड है, पेपर टॉवल्स है, उसे ग्रोसरी ला के भी मेरे घर छोड़ गया। कहते हैं बड़ा सामान है, तू बाद में ले रही हो। अब वो लेके जा रहे हो और बैग तो अपना लेके ही जा रहा हूँ। तो वैसे बियर के घर में फाइनली आ गया हूँ, और भाई मेरा प्लान था कि मैं अंदर घुसते शूट करूंगा, लेकिन मैं घुसा ना भाई, मेरे को गुरनूर पाजी दिख गया अंदर साथ ही। मैं तो ब्लैंक हो गया, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। इसने मेरे को बोला था प्रोग्राम है रात, मुझे नहीं पता था कि ये प्रोग्राम होने वाला है। अभी हम बियर क्रीक पार्क जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या है, मुझे डरा रहे थे, कहते हैं देखो कहीं पर चढ़वाएंगे, तो देखते हैं वो सब। और पता नहीं गाइस को ये बताया नहीं ना, बैग क्यों लेके आया हूँ तेरे घर, उनको पता नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, कुछ करने जा रहा हूँ भाई। वो बैग ना गंदे कपड़ों से भरा हुआ है, वो इसके घर पे लॉन्ड्री करा दिया, इतना उसमें इतने ज़्यादा कपड़े हैं, तो वो इसके घर छोड़ के जाऊँगा, ये पीछे से करता रहेगा, बाद में ले जाऊँगा या आज रात देखेंगे। तो गाइस पता नहीं है मेरे को कहाँ ले आया है भाई, देखना ये आगे चल रहा है, अब जगह देखना भाई कुछ है भी है, यहाँ पे अंधेरा है। मैं बोल भी रहा हूँ भाई सैमसंग का कुछ नहीं पता, कब आ जाऊँ, को आगे दिख भी नहीं रहा कुछ, रकून शाम कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो जंगल में ले आए हैं, पता नहीं अभी डेस्टिनेशन कहाँ है। बस फाइनली एक लोकेशन पे तो आ गया है भाई, यहाँ पे ना एक रिवर है बस एक, और ये पत्थरों पे बैठ गया है, रिवर नहीं कहते ये, पता नहीं क्या है, क्या है ये तुम लाइट ऑन करे नीचे, यहाँ आए क्यों है हम, पानी की झील है नहीं, यहाँ पे हम आए क्यों है बता, शांति शांति, 911 भी दिख रही है, पुलिस, पीस ऑफ माइंड। पता नहीं भाई, चले यहाँ बैठे हैं। तो गाइस वहाँ तो 5 मिनट बैठ के हम चल के यहाँ पे आ गए थे भाई, इन्होंने मेरे को चैलेंज दिया था कि ये दीवार चढ़ के दिखाओ, एक बंदर तो चढ़ चुका है, बंदर कह रहा बंदा सॉरी, एक तो चढ़ चुका है, मैं चढ़ता हूँ, ये ले तो कैमरा पकड़, मैं चढ़ के देखता हूँ चढ़ा जाता है कि नहीं। फर्स्ट एवर ट्राई, ऐसा लग रहा छिपकली लटक गई, मैल फंक्शन हो गया, किल्मों में आ गया ना मेरा, आराम से करना तू ही चढ़े पहली बार च गलत जा रहा है साला, दीवार ही चलने लग गया तो उतरने में पता चलेगा। ओ भाई असल में डर लग रहा है, मजाक नहीं है। घर वापस तो आ गया और बहुत गंदे वाली नींद चढ़ी हुई, क्योंकि सुबह 7 बजे तो उठा था और तो हाल माड़ा ही हो रहा है। पर भाई ये शुक्र है कि इसके घर आ गया, गद्दा और बेड मिल गया, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था यहाँ पे मुझे कंबल मिलेगा, भाई ने दे दिया है। जला ले लाइट को, इसके बाद भाई इसकी दिखा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा भाई, इसकी बेसमेंट में ना ये रिमोट है लाइट बंद करने के लिए, वो बढ़िया चीज़ लगी मेरे को, अमीरों वाली जिंदगी, लाइट दबा के बंद कर गया अभी, तो ये सब है। और भाई अभी लॉन्ड्री हो रही है हमारी, तो उस चक्कर में मैं जाग गया हूँ, घंटा भी जागना पड़ेगा जब तक लॉन्ड्री नहीं होती, जो मैं आया था चलो वो तो काम करें। वैलेंटाइन जैसा था कुछ नहीं, क्या वैलेंटाइन, रोज जैसे दिन थे भाई हमारे, यही सब है। चलो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।